अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी, यहाँ बन रहे हैं आज आटे के मोमोज। ये मेरी सिस्टर मोमोज बना रही थी। ये वाली सिस्टर ना मेरी थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है। इसे ना ये रहता है कि आटे की चीज़ें खानी चाहिए, मैदा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट ख़राब हो जाता है, पेट ख़राब होएगा तो बीमारियाँ लगती है। तो इसको ये रहता है कि आटा ज़्यादा ठीक है, मैदा नहीं खाना चाहिए, जो कि कहीं हद तक सही भी है। प्लीज़ आप बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा। हमारा घर जो है वो ऑन रोड है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, दिन में करूँ, शोर हमेशा आ ही जाता है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। तो जी, ये रही इसकी फीलिंग। इसने सोयाबीन की बनाई थी और उसमें शिमला मिर्च भी थी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी जानना तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में। मैं इसको बोलूँगी ये फिर से बनाएगी और मैं शूट करूँगी, क्योंकि ये वाला डिपार्टमेंट इसका ही है, मोमोज हमेशा यही बनाती है। वैसे आटे के मोमोज में और मैदे के मोमोज में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, दोनों लगभग एक से ही लगते हैं खाने में। और मैं आटे के अगर आप बनाते हैं तो ये भी हो जाता है कि थोड़ा हेल्थी रहते हैं। तो कोशिश करें आप भी आटे के ही मोमोज बनाएँ, और घर में बनाई हुई चीज़ तो वैसे भी हेल्दी होती है। और ये थी मोमोज की चटनी, जो कि उसने पका कर बनाई थी। नॉर्मली हम वैसे ही चटनी बनाते हैं, पीस लेते हैं उसमें जो भी डालना होता है, लेकिन उसने इसको पकाया भी था और उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। जो लहसुन की स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। जब उसका मोमोज बनाने का इरादा था तो उसने चाचा के बच्चों को भी बुला लिया था, तो ये बच्चा पार्टी भी हो गई थी, साथ में चाचा भी थे। तो जी, अब हम बनाने लगे हैं हैदराबादी बिरयानी। ये बिरयानी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये इतने मज़े की बनती है ना, और सबको मम्मी के हाथ की ये बिरयानी बहुत पसंद आती है। जो भी आता है ना मेहमान, वो आने से पहले ही बोल देगा कि जब हम आएंगे हैदराबादी बिरयानी ज़रूर बनाना। तो उसके लिए हमने लिया था लहसुन अदरक, जिसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है, और साथ में हमने डाल दिया है इसमें स्टार एनिस, जिसे चक्रफूल भी बोलते हैं, और डाल दी थी हमने इसमें दो हरी मिर्च। इनको हमने अच्छे से पीस लिया है, फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में डलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, या फिर आप कह दें 6-7 बड़े प्याज। 3 बड़े चम्मच ऑयल के लेंगे, मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, और उसमें डाल देंगे हम प्याज। यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला, जिसमें है 8 छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का, लौंग डाल देना, मैं भूल गई थी, मैं वो बाद में डालूंगी, और डलेगी इसमें, अगर आपके पास है तो बड़ी इलायची डाल दें दो, और दालचीनी का पाउडर मैं डालूंगी, आपके पास है तो वो भी इसमें थोड़ा सा कूट के वो डाल दें। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा शाही ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, वो दोनों में इसमें डाले हैं थोड़े थोड़े। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, 4-5 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी तेज़पत्ता, आप चाहे तो इसे तेज़पत्ते को पहले भी डाल सकते हैं, आगे पीछे कर ले कोई इशू नहीं होता। और मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत नमक। नमक हम ज़्यादातर साबुत ही यूज़ करते हैं, जहाँ पर पिसे हुए नमक की ज़रूरत पड़ती है वहीं पर ही डालते हैं, नहीं तो हम साबुत नमक से काम चलाते हैं। तो जी, इसमें डाला है हल्दी, मिर्ची, धनिया। हल्दी 1 चम्मच डाली है, धनिया 3-4 चम्मच डाल दें, मिर्ची 1 चम्मच डाल दें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, और कवर करके इसमें कुछ सीटी लगा लेंगे, इतनी कि प्याज गल जाएँ। प्याज गलने तक के सीटी लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्राई करने के प्याज, ये भी मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं। आधे किलो प्याज को हम फ्राई करके निकाल देंगे। एक काम किया करें, जब भी आप प्याज फ्राई करके निकालें ना, तो उसको खोल दें। खोल देंगे तो ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं और क्रिस्पी रहते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही बंच सा बना के रख देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, और अगर आप फिर इन्हें हाथ से क्रश करेंगे तो ये क्रश नहीं हो पाते ईज़िली, तो हमें ये बाद में क्रश करने होते हैं। तो इन्हें अच्छे से फैला दें, फैलाएँगे तो ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और ईज़िली क्रश हो जाएंगे। ऐसे ही हम आलू को फ्राई करके निकाल देंगे, क्योंकि हम चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो आलू उसमें अच्छे से नहीं गल पाते। ऐसे करके आप आलू डालेंगे तो आलू बिरयानी में डले हुए भी अच्छे लगते हैं और गल भी जाते हैं। आप 80% इसमें फ्राई करके निकालेंगे, और बाकी का जो है ये जब आप सब सामान डालेंगे, आलू मसाले में डालेंगे, तो ये खुद ही गल जाएंगे। अच्छा जी, हमने कुकर खोल के देख लिया है, प्याज हमारे गल चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत कसर रहती है तो उसे चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा गला लें, और साथ में इसमें चिकन डाल के भून लेंगे। अब डाल रही हूँ मैं इसमें दही, अब अच्छे से इसे भून लेंगे।
गोश्त हमारा गल जाना चाहिए। पानी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का और हरी मिर्चे और स्टार एनिस का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें अब हमने डाल दिया है। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन दही सब अपना पानी छोड़ता है तो हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लौंग डाल देंगे, आप पहले ही डाल दें, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाली है। साथ में मैंने इसमें डाला है दालचीनी का पाउडर। अब चिकन गलने तक सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और साथ में बन रही थी यहाँ पर चाय। ये तो खाना बनता है और साइड में चाय तो लाजमी होती है बननी, कभी किसी के लिए कभी हमारे खुद के लिए। हमारा चिकन भी लगभग गल चुका है। अब मैं डाल रही हूँ सूखे हुए आलू बुखारा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा खट्टापन आ जाता है इसमें, बीज निकाल दिए थे मैंने इसके। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो आलू फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। अब ये हम चावल चढ़ाने जा रहे हैं जिसमें मैंने डाले हैं थोड़ा सा तेज़पत्ता और 3-4 लौंग। नमक मैं साबुत डाल रही हूँ। पानी गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे चावल। ये नए चावल हैं, चावल आप हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पकाए जैसे आपके चावल हैं। अब हरा धनिया और पुदीने को काट के हम मसाले में डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे जो हमने प्याज ब्राउन किए थे वो डाल देंगे। थोड़े से हमने बचा लिए हैं, वो गार्निशिंग में काम आएंगे। बाकी के जितने हैं वो सब इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो हो गया हमारा मसाला रेडी। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने चावल पर। जैसे मैंने बताया था ये नए चावल हैं तो इन्हें जब ये 90% कुक हो जाते हैं इन्हें निकाल के पिच निकाल दें, मीन्स जो उसका पानी होता है वो निकाल दें और रनिंग वाटर के नीचे इसको कर दें। अब हम लगाएंगे जी इसकी तय। नीचे हमने जो चावल हैं वो रख देने हैं, फिर आपने जो बिरयानी का मसाला है वो रख देंगे। अब फिर से एक और तय लगाएंगे चावल की। अब एक और तय लगाएंगे हम मसाले की। अच्छा, तय ना हम अम्मी से ही लगवाते हैं, चाहे मैं कोई सी भी बिरयानी बनाऊं तय मम्मी से ही लगाते हैं। ऐसा लगता है कि मम्मी से ही करेंगी, सारा खाना खुद बना लेंगे, लेकिन ये वाला काम जो होता है वो मम्मी को देते हैं हम। अम्मी बोलती है कि इतने तुम कुछ और काम करो, इतने मैं फटाफट तय लगा दूँगी। ऐसा लगता है बस अम्मी परफेक्शन से कर सकती है ये काम, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हालांकि ये है कि कभी कोशिश की नहीं करने की। अब ये है जी लास्ट लेयर चावल की। फिर से हमने 2 तय लगाई है मसाले की, 3 तय लगाई है चावल की। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मर्जी वैसा कर लें, एक तय में भी काम चला लें। अब ऊपर से जर्दे का रंग डाल देंगे, पानी में मिलाया है हमने जर्दे का रंग। आप चाहे तो केवड़े में मिला के डाल दें। ऊपर से डाल देंगे केवड़ा। गार्निशिंग के लिए हो गया है ऊपर से हरा धनिया, ब्राउन प्याज और थोड़ा सा डाल देंगे हम वाइट विनेगर। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल दें, वाइट विनेगर है तो वाइट विनेगर डाल दें। लेकिन अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो नींबू पहले ही डालें, विनेगर आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं लेकिन नींबू आपने पहले ही डालना है। बस जी हो गई है हमारी बिरयानी रेडी। अब हमने इसे कर देना है दम। हमने इसे दम करने के लिए रख दिया है। ऊपर से कोई हैवी चीज़ रख दें और फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी डाल दें। और यहाँ पर बन रहा है कचुंबर दही का, जिसमें हम ले रहे हैं प्याज दानेदार काट लेंगे, ककुम्बर ले लेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर सबको दानेदार काट के दही में डाल देंगे। साथ में नमक डाल दें, चाट मसाला डाल दें। हो गया जी आपका कचुंबर अब रेडी। खाना वाना खा के सब चीज़ से फारिग हो के ये कुछ टाइम था 2 बजे का और ये थी मिडनाइट हंगर का टाइम। रात को 2 बजे मैंने बनाए थे जमे, तो मैं अपने बिस्तर में थी। ये नेट लगी हुई है, मेरा बिस्तर है ये, और यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं नेट पर ही सोती हूँ। मुझे जब रात में ऐसे कुछ भूख लगती है तो मैं ज़्यादातर जमे बनाती हूँ, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी बड़े मज़े के होते हैं। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ कभी शेयर करूँगी।
कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके जमे चिपके चिपके से होते हैं, खिले खिले नहीं होते, तो वो भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे बनते हैं।